हेलो कैनेडियंस, माय नेम इज ऋषि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग बी कैनेड। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी विंटर स्टाइलिंग मिस्टेक्स जो शायद आप कर रहे हैं, देन अगर आप कर रहे हैं देन चमत्कारी बाबा बताएंगे आपके स्टाइल की किस तरह बैंड बजती है। करिए फिर शुरुआत, चलो फिर, लेकिन उससे पहले वो घंटा आइकन दबाओ और मेरे घंटी वाले यार बनो, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। मेरी पिछली वीडियो में से इस वीडियो में जो कमेंट फीचर हुआ है वो फीचर हुआ है फॉलो द जनरेशन का। मेहनत करो मन लगा के कि फकर हो कामयाबी पे, मेहनत करो मन लगा के कि फकर हो कामयाबी पे, पहले वीकेंड को सब्सक्राइब कर लो, बाद में ध्यान देना भाभी पे। नंबर वन विंटर स्टाइलिंग मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको तूतिया बाबा बताएगा। इतना तूतिया तो एयरटेल ने जियो के आने से पहले नहीं काटा था जितना तूतिया ये बाबा काटता है। हां जी, क्या प्रॉब्लम है बाबा जी? छोरी नहीं फंसती, पहन दिया पकौड़े ऐसी थे, छोरियां फंसाने बैठे हैं। नहीं बाबा जी, बताओ आपके पास हर समस्या का हल है। सबसे पहले ये बता नीचे क्या पहनना है बाबा जी? कच्छा। अबे कच्छे, उस नीचे की बात नहीं कर रहा, ऊपर नीचे क्या पहना है बाबा जी? वो चाचू मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? गोल गला मैंने भी गला बाबा जी, गोल। अब गोल गप्पे, वीकेंड को सब्सक्राइब किया? नहीं बाबा जी, फिर यहीं से कृपा रुक जाइए, वीकेंड को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा दियो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह ऋषि वाह, कितनी फुद्दू एडिटिंग की है, फुद्दू से ज्यादा है। अगर आप नीचे सर्दियों में थर्मल वेयर पहनते हैं, पहनो, परफेक्टली राइट, लेकिन उसको सही तरीके से पहनो। कई भाइयों के क्या होता है कि उन्होंने नीचे थर्मल वेयर तो पहना होता है और थर्मल वेयर ना ये झाकियां मार रहा होता है और साफ पता चल रहा होता है कितने दिन हो गए धोया नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में से आते हैं देन चमत्कारी बाबा बताना इनकी स्टाइल की कैसे बैंड बजती है। तो अगर आप अपने स्टाइल की ऐसे बैंड नहीं बजाना चाहते देन मेक श्योर कि जब भी आप नीचे थर्मल वेयर पहने वो आपकी शर्ट से दिखे ना। दैट मींस कि आपको वी नेक थर्मल वेयर पहनने हैं। मैंने स्पेशल ढूंढ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर हम कलर की बात करें देन गो फॉर ग्रे कलर, गो फॉर लाइट ब्राउन कलर, नेवर गो फॉर ब्लैक कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। नंबर टू विंटर स्टाइलिंग मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है वो है बुर वाले कपड़े। अब हिंदी में बुर को पता नहीं क्या कहते हैं यार, पंजाबी में चिता बुर ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फज। बुर वाले कपड़े पहन के ही ना बाहर निकल जाना। सी भाई यार, मैं मानता हूँ कुछ स्वेटर्स, कुछ स्वेटशर्ट्स हमारी बहुत ही फेवरेट होती है, उनके साथ हम थोड़ा सा ना रिस्क ले लेते हैं, लेकिन तो इसमें मेरा क्या कसूर? कोई फोटो चोरी चोरी खींच ले। अब अरोड़ा साहब थोड़ा ये बताओगे यहाँ पे राधे माँ का क्लिप क्यों लगाया? क्योंकि बात कोई बनी नहीं यहाँ पे राधे माँ की। भाई मैंने सोचा भाभियों की बात हो रही है और राधे माँ पीछे रह जाए, ये हो नहीं सकता। तो अगर आपकी फेवरेट स्वेटर या स्वेटशर्ट पे बुर आ गई है देन आई हैव अ सिंपल हैक फॉर यू। बुर को दूर करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि जो हमारी रेजर होती है जिससे हम शेव करते हैं उसको यूज करो और सारी बुर गायब। ज्यादा जोर भी मत लगा देना कि कपड़े ही फटे। और कोशिश करो कि जो हमारी स्वेटशर्ट होती है, हमारे स्वेटर होते हैं, उनको वॉशिंग लिक्विड से धो, वॉशिंग पाउडर से नहीं। नंबर थ्री स्टाइलिंग मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं वो है टोपी। अब मैं यहाँ पे उस टोपी की बात नहीं कर रहा, नहीं समझे? पोगो देखो। सी भाई यार, मैं समझ सकता हूँ कि सर्दियों में ना हमारे कान बहुत ठंड लगती है। कई बार तो क्या होता है कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं ना तो कान दर्द होने शुरू हो जाते हैं, मेरे भी होता है। लेकिन अगर आप इसको दूर करने के लिए वैसे टोपी पहनते हैं जैसे हमारे पहनते हैं देन भाई चमत्कारी बाबा बताएंगे आपके स्टाइल की कैसे बैंड बज रही है। तो सर्दियों में अपने कानों को ठंड से बचाने के लिए जो अभी चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है ना वो है बनी कैप्स। गो फॉर दैट। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बनी कैप्स आपकी ना स्टाइल गेम को यहाँ से ना यहाँ ले जाएंगी। और एक और चीज, आप इसे नंबर फोर भी बोल सकते हैं, वो हमारे सड़कों पे मिल रहे होते हैं ना हेडफोन टाइप जिससे हमारे वो ईयर्स कवर होते हैं, नेवर गो फॉर दैट। दलेर मेहंदी साहब भी बोल रहे हैं। नंबर फिफ्थ विंटर स्टाइलिंग मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं वो है गलत तरीके से लेयरिंग करना। हालांकि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि सही तरीके से लेयरिंग करते कैसे हैं, क्योंकि यार सर्दियों में लेयरिंग ही तो बेस्ट चीज़ है। चाहे आप पतले हैं चाहे आप मोटे हैं, लेयरिंग सबके ऊपर अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप लेयरिंग को गलत तरीके से कर लोगे ना अच्छी नहीं लगनी, ये चमत्कारी बाबा बताएंगे कैसी लगनी है। इस वीडियो में आपको बताता हूँ सिंपल हैक जो आपकी लेयरिंग की ना सारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। वो है कि भाई यार उल्टा पुल्टा कैसे,
कि अगर आपका एक चीज पैटर्न वाली है, जैसे ये मफलर मेरा पैटर्न वाला है, इसके नीचे मैंने प्लेन टी शर्ट पहनी है, अगर इसी जगह मैं पैटर्न वाली ही टी शर्ट पहनता तो जो ये मफलर है इसकी इतनी ज़्यादा ग्रेस नहीं निकलती। तो यानी कि अगर आप नीचे अपने शर्ट पहनी है वो प्लेन पहनी है, तो जो ऊपर आपको स्वेटर पहनी है वो आप पैटर्न वाली पहन सकते हैं। अगर आपने पैटर्न वाली स्वेटर पहनी है तो यानी कि जो आपकी शर्ट होनी चाहिए वो प्लेन होनी चाहिए। तो ये थी वीडियो कुछ ऐसी छोटी छोटी विंटर स्टाइलिंग मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं और आपके स्टाइल की बिल्कुल बैंड बज रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। और आपको कमेंट पता कैसे करना है आंटी बताना जरा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके इस भाई को आप भाइयों का ही सहारा है। और आपको शेयर पता कैसे करनी है आंटी बताना जरा। इन फ्यूचर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो इंडियन मैन फैशन एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड, देन सब्सक्राइब नाउ। मायसेल्फ ऋषि अरोड़ा साइनिंग ऑफ, एंड एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर, यू, यस यू आर ऑसम।